हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये मेरे एक व्यूअर के कमेंट पे बेस्ड है। तो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे अपने कमेंट में पूछा था कि नो क्लेम बोनस और ओडी डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नो क्लेम बोनस डिस्काउंट और ओडी डिस्काउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस डिस्काउंट की। तो फ्रेंड्स, नो क्लेम बोनस डिस्काउंट होता है अगर हमने अपनी गाड़ी की जो इंश्योरेंस करवाई हुई है और पिछले 365 दिन में कोई भी हमने क्लेम नहीं किया है, रजिस्टर्ड भी नहीं किया है और क्लेम लिया भी नहीं है, तो हम नो क्लेम बोनस के लिए एंटाइटल होते हैं, हमें नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ भी यही निकलता है, इसका मीनिंग भी यही है, NCB यानी कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस कि हमने कोई भी क्लेम नहीं किया है, उसका हमें कंपनी बोनस देती है, हमें बेसिक में बेसिक प्रीमियम जो होता है उसमें डिस्काउंट देती है, उसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि नो क्लेम बोनस की परसेंटेज क्या रहती है, हमें वो किस परसेंटेज से मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 20% से शुरू होता है। मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी है, आज आपको नो क्लेम बोनस 0% होगा क्योंकि आपने गाड़ी नहीं खरीदी है। नेक्स्ट ईयर जब आप उसकी रिन्यूअल कराओगे, इंश्योरेंस को रिन्यू कराओगे और 365 दिन में आपने कोई क्लेम नहीं किया है, तो आपको बेसिक पे 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेप में आपको 20% मिलता है। सेकेंड ईयर उसके बाद जब हम उसकी थर्ड इंश्योरेंस करवाएंगे और फिर भी हमने क्लेम नहीं किया है, तो वो हमें मिलेगा 25%। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 35%, फिर 45% और मैक्सिमम 50% तक जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें यह होता है कि हमें पिछली किसी भी पॉलिसी में क्लेम नहीं किया हो। इन केस हम किसी पॉलिसी में क्लेम कर लेते हैं तो वो फिर से जीरो से शुरू होगा। और जैसे मैंने आपको स्टेजेस बताई, 0, 20, 25, 35, 45 और 50%। तो फ्रेंड्स, नो क्लेम बोनस मैक्सिमम 50% तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जिनको नहीं पता उनके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर हम इस बार इस इंश्योरर से अपनी पॉलिसी रिन्यू ना करवा के किसी और इंश्योरर से अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो क्या हमें नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ, आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। आज आप मान लो ए कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो, अगर नेक्स्ट ईयर आप किसी बी कंपनी से इंश्योरेंस को रिन्यू करवा रहे हो तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। शर्त वही है कि आपने 365 दिन में कोई भी क्लेम ना किया हो। उसकी आप डेक्लेरेशन करेंगे बी कंपनी के पास कि हमने 365 दिन में कोई भी क्लेम नहीं किया है, आप हमें नो क्लेम बोनस दीजिए। तो फ्रेंड्स, नो क्लेम बोनस के स्टेजेस, स्टेप्स और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई नो क्लेम बोनस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ओडी डिस्काउंट। अब ओडी डिस्काउंट क्या होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है। बहुत से लोगों को जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है उनको पता भी नहीं होगा कि ओडी डिस्काउंट भी कोई चीज होती है, कोई हमारी पॉलिसी में फैक्टर होता है, कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, ओडी डिस्काउंट होता है जो हमें अंडरराइटर डिस्काउंट देता है। अंडरराइट मींस जैसे जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो कंपनी अपनी तरफ से हमें जो डिस्काउंट करती है उसको हम ओडी डिस्काउंट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें भी वही बात कि हमें ओडी डिस्काउंट की क्या परसेंटेज मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपनीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं। आपको 5, 10, 20, 25, 35, up to 60 या फिर जितना भी परसेंटेज उनके चार्ट में अवेलेबल हो, जितना सेगमेंट के हिसाब से कंपनी अलाउ करती हो उतना डिस्काउंट आपको कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ओडी डिस्काउंट करने के लिए कंपनीज क्या देखती हैं, सबसे पहले तो हमारी गाड़ी का मॉडल देखेंगी। हमारी गाड़ी जितनी नई होगी मैक्सिमम आपको ओडी डिस्काउंट मिल सकता है। गाड़ी जैसे जैसे ज्यादा पुरानी होगी कंपनीज जो है उसमें ओडी डिस्काउंट कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओडी डिस्काउंट होता है जो कंपनी अपनी ओर से कस्टमर को देती है। तो फ्रेंड्स, अब यहां पे एक क्वेश्चन और पैदा होता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें नो क्लेम बोनस और ओडी डिस्काउंट एक ही पॉलिसी में दोनों मिल सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आपको नो क्लेम बोनस और ओडी डिस्काउंट एक ही पॉलिसी में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो दोनों
में डिफरेंस भी हो गया और मैंने आपको बता भी दिया कि दोनों एक ही पॉलिसी में मिल भी सकते हैं। ओडी डिस्काउंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, कंपनीज अपनी मर्जी से दे सकती हैं। नो क्लेम बोनस जो है वो आपका अपना कमाया हुआ बोनस होता है, जो आपने अर्न किया हुआ होता है कि आपने 365 दिन में कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपको जो है नो क्लेम बोनस मिलेगा, आपको बेसिक प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो डिस्काउंट होते हैं, नो क्लेम बोनस और जो है ओडी डिस्काउंट, ये सिर्फ बेसिक पोर्शन पे ही एप्लीकेबल होते हैं। जो आपकी गाड़ी की कभी पॉलिसी आप देखिएगा उसमें बेसिक, एक बेसिक होता है और एक होता है लाइबिलिटी पोर्शन। तो आपको ये जो डिस्काउंट है दोनों ही बेसिक पोर्शन पे मिलेंगे, लाइबिलिटी पे ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है। बेसिक और लाइबिलिटी इनका टोटल करने के बाद जीएसटी लगा के हमें जो प्रीमियम मिलता है वो हमारा जो है वो टोटल प्रीमियम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको डिस्काउंट मिले हैं वो दोनों डिस्काउंट जो है आपको बेसिक प्रीमियम पर ही मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि नो क्लेम बोनस और ओडी डिस्काउंट में क्या डिफरेंस रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने पोर्टल के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाना था, लेकिन आप सबको जैसा कि मालूम है 3-4 दिनों से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का पोर्टल जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो है पोर्टल के वीडियो बनाने में थोड़ी सी डिले हो रही है। तो फ्रेंड्स जब तक पोर्टल जो है स्मूथली वर्किंग करना शुरू नहीं करता है तो मैं पोर्टल के वीडियो नहीं बना पाऊंगा। फिर भी आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।